और जिक्र करेंगे लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन का, जहां मुलजमान ने फायरिंग की है और एक ही खानदान के चार अफराद को कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक खातून जख्मी भी हुई। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात देखिए वकार शौकत की इस रिपोर्ट में। एक ही खानदान के चार अफराद को कत्ल करने का वाकया ग्रीन टाउन के इलाके पंजाब सोसाइटी में पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने फायरिंग करके वालिद और तीन बच्चों को कत्ल जबकि बीवी को जख्मी कर दिया। मक्तूलीन की शनाख्त इसहाक, अबुजर, हुस्ना और आतिका के नाम से हुई है। एसपी सदर ऑपरेशंस गजनफर शाह ने बताया कि कत्ल का वाकया डकैती के बजाय दुश्मनी का नतीजा लगता है। पता चला है कि इसहाक का हमसायों से मामूली झगड़ा चल रहा था। मक्तूल इसहाक ने दो शादियां कर रखी थी, पहली बीवी से औलाद नहीं थी जबकि दूसरी बीवी शगुफ्ता के चार बच्चे थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठा करने के बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने जबकि जख्मी खातून को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया।